सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं क्योंकि भाई, तो गाइस जो आते समय हम लोग का मोबाइल जो था वो चार्ज नहीं था, वो चार्ज से बंद हो गया था बिना चार्ज का मोबाइल का, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ट्रेन में आए और चार्ज में लगाए। अभी हमारा मोबाइल स्टार्ट हुआ है तो हम लोग ब्लॉग बनाना अब स्टार्ट किए हैं क्योंकि भाई हमारा मोबाइल चार्ज नहीं था इसीलिए हम ब्लॉग नहीं बना पाए। अब स्टार्ट अपना स्टेशन हम 4-5 किलोमीटर दूर शायद से आ चुके हैं स्टेशन से। अभी हम लोग का यहाँ से 200 किलोमीटर शायद से हम लोग का घर है। सो गाइस, जो भी मेरे फ्रेंड थे उनका भी मोबाइल बंद हो चुका है, ये भी आज के बैठ चुके हैं मेरे पास में ही, ये भी अब साथ में चलेंगे लोग घर। अभी 120 किलोमीटर शायद से और रह गया है। ये मेरे फ्रेंड्स और दो लोग हैं, वो सो गए हैं लोग, रात को शायद से नहीं सो पाए थे लोग इसीलिए सोए हैं लोग। अभी हम लोग का यहाँ से 120 किलोमीटर घर है, अब चलते हैं लोग घर। और ये हमारा एडिटर है और ये मेरे साथ जो मेरे भाई रहता है वो, और वो ट्रेन तो काफ़ी धीरे चल रही है, तो फाइनली गाइस आधा रास्ता तक लोग तो आ चुके हैं। अभी हमारा रास्ता आधा रास्ता शायद से बाकी है। बहुत ही याद आ रहा है भाई गोरखनाथ मंदिर और नौका विहार का, हम लोग का साथ रहा तो दोबारा फिर से जाएंगे नौका विहार। अभी हम लोग तो जा रहे हैं घर, देखते हैं कैसा क्या होता है। आधे रास्ते तक लोग तो आ चुके हैं। सो गाइस, आप सब भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा नौका विहार और गोरखनाथ मंदिर। अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट में बताएं कि आप लोग को कैसा लगा। हम लोग को तो बहुत ही अच्छा लगा नौका विहार और गोरखनाथ। तो फाइनली गाइस, हम लोग ट्रेन से तो उतर चुके हैं, अब चलते हैं अपने घर। अभी उतरे हैं अपने ट्रेन से। तो फाइनली गाइस, घर पे तो पहुंच चुके हैं, बॉडी में तो पूरा दर्द हो चुका है। चलते हैं अब घर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।